सोचो, एक रात आप किसी अनजान राह पर चल रहे हो, तभी आपको महसूस होता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, और उसी के साथ एक डरावनी सी आवाज। आप पीछे मुड़कर देखते हो तो वहां पे कोई नहीं है, फिर भी आप हिम्मत जुटाकर आगे चलने लगते हो। तभी अचानक से एक भयानक जंगली सुअर आपके सामने आता है। आप एक एक पैर पीछे डाल रहे हो और वो एक एक कदम आपकी तरफ बढ़ा रहा है। आप पसीने से लथपथ हो चुके हो। वो जंगली सुअर आप पे अटैक करने ही वाला होता है कि बूम, आपकी नींद खुल गई। ये सारी बातें कोई फैंटेसी या किसी दादी की कहानियां नहीं है, ये आपको ले जाएगी एक फिल्म की तरफ, जिसको देखने के बाद आपकी आंखें उसी दृश्य को बार बार सामने ले आएगी। ये सारी बातें संबोधित करती है एक कन्नड़ा फिल्म कंतारा की ओर। नमस्कार, मैं प्रियंका लाठी, आपका स्वागत है आवाजे ISBJ चैनल पर, शो कहानियां कुछ अलग सी। कंतारा एक कहानी है ट्राइबल लोगों की, उनके कल्चर की, पर एक रीजनल मूवी को इतना हाइप कैसे मिला? हर तरह के दर्शक इसको इतना पसंद कर रहे हैं कि 2022 की ब्लॉकबस्टर बनने जा रही है। देखते हैं क्या है इसकी कहानी। हम बात करने वाले हैं श्री गुरुनाथ श्री जी से, जिन्होंने कई फिल्मों का डायरेक्शन किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के टॉपिक सिलेक्शन के बारे में। तो सर, कंतारा के टॉपिक सिलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? इस फिल्म का टॉपिक अगर आप देखने जाओ तो हमें ऊपर ऊपर से एक हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन वैसा है नहीं। इसमें ड्रामा है, सस्पेंस है, उसमें अलग अलग तरीके के इमोशनल एंगल्स है, और जिस डायरेक्टर ने इसको राइट किया है, डायरेक्ट किया है, उनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिसको आप अलग अलग एंगल से रिप्रेजेंट करते हो। तो बात अगर डायरेक्शन की है सर, तो आपको क्या लगता है डायरेक्शन कितना डिफरेंस बना सकता है या किसी इतना डिफरेंस ला सकता है किसी फिल्म में? डेफिनेटली, क्योंकि कहानी लिखना एक अलग बात है और उसको दिखाना एक अलग बात है। जैसे मैं अभी कहना चाहूँ कि एक लड़का ट्रेन से जा रहा है और वो दिल्ली पहुंचने वाला है, तो ये एक सिर्फ कहानी की एक लाइन हो गई, लेकिन डायरेक्टर इसमें खूबसूरती डालते हैं। वो एक रेलवे स्टेशन डालेगा जहाँ पे एक चाय वाला है जो बात कर रहा है उस लड़के के साथ, फिर वो ट्रेन में बैठेगा, वहाँ पे कुछ मुसाफिर मिलेंगे, उनके साथ कुछ वार्तालाप होगी। तो उस सीन को डिज़ाइन करने का और आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट करने का काम डायरेक्टर करता है, और हर अलग अलग पहलू से उसके आपके दिल के अंदर बोने का काम डायरेक्टर करता है। अलग अलग पहलू की बात वैसे आपने की है सर, तो बताइए कि इसमें कैरेक्टर, उनके नाम, इसका कोई स्पेसिफिक कनेक्शन है या इसका कोई स्पेसिफिक इंटेंशन है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? बेसिकली देखा जाए तो कोर कॉन्टेक्स्ट जो होता है किसी भी फिल्म का, उसके आजू बाजू में ही सारे किरदार और नाम और उनके कैरेक्टर स्केचेस बनते हैं। तो इस फिल्म में जो भगवान दिखाए गए हैं वो एक महाराष्ट्र और कर्नाटक बाउंड्री का जो इलाका है वहाँ के एक वो फेमस गॉड है, जो बहुत पुराने टाइम से ऐसे दिखाया गया है कि वो उनकी ज़मीन की रक्षा करते हैं। तो बेसिकली उसी ट्राइबल एरियाज के वो जो नाम और कैरेक्टर उन्होंने लेके फिल्म को जितना ग्राउंड लेवल पे दिखा सके उतना दिखाया है। कोई भी फैंटेसी नहीं है, कोई कैरेक्टर ऐसा बॉलीवुड फिल्मों में जैसे दिखता है, हीरो जैसा वैसा नहीं दिखता है। जो एक्ट्रेस भी है वो भी शायद आपको खूबसूरत ना लगे, लेकिन उस कहानी के हिसाब से वो सबसे खूबसूरत है। तो ये खूबसूरती है कैरेक्टर स्केचिंग की कि हर एक कैरेक्टर आपको कनेक्ट होता है, वो पुलिस वाला हो या फिर वो फॉरेस्ट ऑफिसर हो या फिर छोटे छोटे जो किरदार है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर ने लिखते टाइम पर ये सोचा था कि कहानी में जब देखूंगा, जब भी लोग देखेंगे, तो वो उस जंगल में खुद मौजूद हो ऐसे उनको लगे। अच्छा सर, जैसे आप एक एक सीन एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपका फेवरेट सीन कौन सा था मूवी में?
फिल्म का क्लाइमैक्स, क्योंकि क्लाइमैक्स में जो एक सीन है जब वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है और अचानक से आपके दिमाग में कुछ नहीं होता, एक ब्लैंक फ्रेम है, सामने वो जमीन पे पड़ा हुआ है और अचानक से वो वरा रूपम अवतार आता है और जोर से चिल्लाता है, तो अचानक जो उसके अंदर एनर्जी आती है तो वो आपको गुजबम जरूर देगा। और उसके बाद जो क्लाइमैक्स उन्होंने ख़त्म किया है, माइंड ब्लोइंग जस्ट, मतलब उससे बढ़िया सीन तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये सच में एक माइलस्टोन फिल्म थी। उसका हर एक सीन, मतलब आप जैसे फिल्म शुरू करते हो तब से लेके आखिर तक एक एक सीन ऐसे इतने मेहनत के साथ बनाया गया है, बनाया, तो मेरे हिसाब से सब अच्छे हैं। लेकिन उसमें से अगर मुझे कुछ सिलेक्ट करना पड़े तो मैं क्लाइमैक्स सीन को 100 out of 120 मार्क्स दूंगा। और सर आप ओवरऑल फिल्म के लिए क्या रेटिंग देना चाहेंगे और ऋषभ शेट्टी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऋषभ शेट्टी इज माइंड ब्लोइंग और वो आगे भी जो काम करेंगे, अभी दिक्कत यह है कि उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुके हैं, तो मैं बस उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कहूँगा कि बस आगे की फिल्म में कंटारा से 100 गुना अच्छा बनाओ, यही मेरी शुभकामनाएं। और रेटिंग्स तो देने के लिए खैर मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो भी किया उसको बस सैल्यूट कर सकता हूँ। अभी आपने सुना एक डायरेक्टर की जुबानी कि दूसरे डायरेक्टर की तारीफ करना कितना ज़रूरी होता है, लेकिन ये तारीफ यूं ही नहीं है। एक ऐसी फिल्म जो एक रीजनल लैंग्वेज में बनी है और आज उसको सारी दुनिया से इतना प्यार मिल रहा है, तो उसकी तारीफ करना दर्शकों की जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी कंतारा की कहानी हमारे जुबानी। चलिए अब इस शो पे यही रुकते हैं। धन्यवाद।